इन दिनों वसई विरार के राजनीतिक गलियारों में एक खबर काफी ज्यादा चर्चा में है, वह है राजीव पाटिल का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना। जी हां, वही राजीव पाटिल जिन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को एक अलग स्तर पर पहुंचाया है, जिनकी गिनती बहुजन विकास आघाड़ी के एक पिलर के रूप में की जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस पार्टी का पिलर ही अपनी पार्टी छोड़ आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश करने जा रहा है, या फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भेजा जा रहा है? जी हां, राजनीतिक सूत्रों द्वारा मेरी जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि हितेंद्र ठाकुर के सबसे करीबी तथा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सक्षम रहने वाले राजीव पाटिल यदि भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिनों एक खबर प्रसारित हो रही थी और वह यह थी कि नालासोपारा से विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भरत राजपूत का टिकट तय किया गया है, और यदि ऐसा होता तो कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी को नालासोपारा 132 की सीट से हाथ धोना पड़ता। इसीलिए इस मास्टर प्लान को तैयार किया गया कि राजीव पाटिल का भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश करना और इस पार्टी से उन्हें नालासोपारा की विधानसभा टिकट की उम्मीदवारी देकर जिताना। वह कहावत तो आपने सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी हाँ, मास्टर प्लान तो देखिए, एक तरफ भरत राजपूत की टिकट कैंसिल, तो वहीं दूसरी तरफ राजीव पाटिल को उम्मीदवारी दिलाकर उस सीट को अपने ताबे में लेना, और यह मुमकिन भी है क्योंकि वसई का सुरक्षा स्मार्ट सिटी जो कि अमित शाह के लड़के यानी जय शाह की जिसमें भागीदारी है, वह जब से बननी शुरू हुई तब से राजीव पाटिल का अमित शाह के साथ बहुत ही गहरा संबंध बन चुका है। इसीलिए आने वाले समय में राजीव पाटिल को बीजेपी से टिकट मिलना और जिताना तय है। लेकिन राजीव पाटिल के इतने बड़े कदम के बाद कई कार्यकर्ता, नगर सेवक, उद्योगपति तथा बिल्डर लॉबी एवं बड़े पदाधिकारी जो बहुजन विकास आघाड़ी में राजीव पाटिल के नेतृत्व के नीचे चल रहे थे, वह भी उनके साथ जा सकते हैं। सबकी नजर अब इसी पर टिकी हुई है। देखो, उनकी इच्छा आ सकते हैं, अब आ रहे हैं कि भेजे जा रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, और कोई पहली बार थोड़ी जो अमित शाह से मिल रहे हैं, वो तो अनेकों बार मिल चुके हैं, जो है बहुत सारे अपने अपने काम के सिलसिले में मिल चुके हैं, और जब वो जाते हैं हमको वहाँ से फ़ोन भी आता है कि भाई आपके यहाँ से ऐसे ऐसे आए हैं और किस काम से आए, वो भी हमको पता चलता है। ठीक है, देखिए व्यापारी दृष्टि से वो बहुत दिन से जुड़े थे, जो है वो अभी आएंगे तो बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि क्या है, बहुजन विकास आघाड़ी बिल्डरों के दम पे चलती है और वसई तालुका में सबसे ज़्यादा बिल्डर राजीव पाटिल के ही फॉलोअर हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुजन विकास आघाड़ी के आने वाले समय में जो है नगर सेवक समझ लो ना के बराबर रहेंगे। सर, क्या लगता है पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके का चेंज होगा राजीव पाटिल के बीजेपी में आने से? तो मैंने कहा ना आपको कि राजीव पाटिल के आने से, देखो राजीव पाटिल आएंगे तो बिल्डर आएंगे, बिल्डर आएंगे तो हर बार चुनाव में तो लोग जानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी का जो चुनाव होता है उसमें बहुजन विकास आघाड़ी या हितेंद्र ठाकुर एक रुपया खर्चा नहीं करते, सारा खर्चा जो है उनके जो क्षेत्रीय जो बिल्डर लोग हैं वो लोग जो है अपने अपने ऑफिस के बाहर जो है तंबू लगा के वहाँ के सेक्रेटरी चेयरमैन को जो है खाना भी खिलाते हैं, दारू भी पिलाते हैं, 800-100 रुपये भी देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उनको दम भी देते हैं कि भाई देखो अगर यहाँ इस बूथ में वोट कम आया तो जो है पानी नहीं आएगा, तो ये तो पहले से भी चल रहा है, फिर वापस कंटिन्यू हो जाएगा, जो है क्या फ़र्क पड़ता है उसे, जो है आदमी वही पार्टी नहीं।